43 वर्षों में जहां हम दो थे आज 303 पहुंचे हैं और संगठन को मजबूत करने का काम पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, सभी नेताओं ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बीजेपी का आज 43वां स्थापना दिवस है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने झंडा तोलन किया है और साफ तौर पे कहते हुए दिखे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसी के साथ जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय की है, जहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वहाँ मौजूद है, तमाम वरिष्ठ नेता वहाँ मौजूद है। सम्राट चौधरी तो मौजूद हैं ही, उसके साथ ही साथ नवल किशोर यादव भी है, हरिभूषण ठाकुर, बचौल के साथ ही कई सारे नेता वहाँ मौजूद हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पहले आपको वो सुने। यह पूरी तरह राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग इसको मनाने का काम कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का 43वां वर्षगांठ है। सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी ने जो नींव रखा इस देश में, उस विचारधारा को हम लोग सभी लोग मिलकर बढ़ाने का काम कर रहे हैं और 43 वर्षों में जहां हम दो थे आज 303 पहुंचे हैं और संगठन को मजबूत करने का काम पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, सभी नेताओं ने किया। देखा किस तरह से बीजेपी 43वां स्थापना दिवस मना रही है, वही साफ तौर पे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि पहले 43 वर्ष पहले सिर्फ हमारे दो सांसद थे, लेकिन अब हमारे 303 सांसद हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अडानी और मुरली मनोहर जोशी ने जो नींव रखी थी, अटल बिहारी ने जो नींव रखी थी, उसे मजबूत करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ देखा किस तरह से झंडा तोलन करते हुए दिखे हैं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उनके साथ कई नेता मौजूद भी दिखे हैं। तो क्या कुछ खबर था बताया इस रिपोर्ट में। तो फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।